पूर्वांचल में बादलों की सक्रियता से तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। पूर्वांचल में बादलों की आवाजाही की वजह से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में मानसूनी बारिश होगी और तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी। बाबरपुर एयरपोर्ट पर शास्त्री जी की प्रतिमा का प्रधानमंत्री करेंगे अनावरण। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी NCL ने वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया है, जिसका अनावरण 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर कोल इंडिया लिमिटेड चेयरमैन अनिल कुमार एवं NCL के MD प्रभात कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। PDDU नगर में दुर्घटनाग्रस्त होने से बची भुवनेश्वर एक्सप्रेस। PDDU में डाउन भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन बोगी में लगा ट्रैक्शन मोटर गुरुवार को तेज आवाज के साथ ट्रैक पर ही गिर गया, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम होने के कारण बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। घटना की जानकारी होते ही महकमे में हड़कंप मच गई और अपर मंडल रेल प्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रथारूढ़ नाथों के नाथ निकले सैर सपाटे पर। बनारस में सत्र का पहला रथ यात्रा मेला शुरू। बनारस में सत्र का पहला रथ यात्रा मेला गुरुवार को शुरू हो गया। भगवान जगन्नाथ कुटुंब के साथ गुरुवार को रथ यात्रा पर सवार यात्रा पर निकले। भोर में नाथों के नाथ जगन्नाथ बहन सुभद्रा व भाई बलभद्र की पीताम्बरी झांकी सजी। मंगला आरती के साथ और इसके साथ ही बनारस में नए वर्ष के उत्सव के पहले टक्खा मेला रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। अब वर्षा जल बहाव की दिशा में बनाए जाएंगे तालाब। घराते पेयजल संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय पर जोर दिया है और जगह जगह तालाब बनाने पर जोर दिया, जिससे वर्षा का पानी संचय हो सके। मोदी जी ने गाँव के लोगों को गुजरात के पोरबंदर स्थित महात्मा गांधी के आवास को देखने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आवास में ऐसी टंकी बनी है जिसमें बारिश का पानी संचित होता है और हर गांव के जल संचय को बढ़ावा देने की अपील की। वाराणसी में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कराई गई मेंढक और मेंढकी की शादी। गर्मी से परेशान होकर शहरवासियों ने बरसात के लिए रविवार को अर्दली बाजार स्थित महावीर मंदिर में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई। ये परंपरा काफ़ी पुरानी मानी जाती है। वाराणसी के कोतवाली थाना दारा नगर नवापुरा में विवाहिता को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज मुकदमा दर्ज करा के कोतवाली में 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। मृतिका के भाई रोहित पटेल ने बताया कि 2014 में इनके पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर दारा नगर नवापुरा में राहुल नाम के युवक से शादी की थी। शादी के बाद से ही 1,00,000 नकद और बुलेट की मांग की जा रही है। इससे पहले भी विवाहिता को मारा पीटा गया था। मायके वालों ने बताया कि हम लोगों को सूचना दी गई कि दिए से जल गई हैं। जब हम पहुंचे तो वो पूरी तरह से जल चुकी थी। इसके बाद तत्काल कबीर चौरा हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया, विवाहिता की जहां पे मृत्यु हो गई। धूमधाम से मनाया गया अखिलेश यादव का जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। लोहराबीर आजाद पार्क में कार्यकर्ता एकजुट हुए और अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के लिए केक काटा और ढेरों बधाई दी। इस मौके पर लोकसभा में प्रत्याशी रही शालिनी यादव जी ने अखिलेश यादव जी को ढेरों बधाई दी।